एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और अभी जो है मैंने अपने एक वीडियो का एंड किया था थोड़ी देर पहले, और आज मेरा वीडियो लेट जाएगा क्योंकि मेरे घर पे जो है नितेश भैया आए हुए हैं। हाय 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 हाय। ये मौसी की लड़की है, नितेश भैया के मौसी। कहाँ से भैया? बिहुन्नी से है, नितेश भाई के मौसी की लड़कियां ये। तो ये सब लोग घर पे आए हुए हैं, तो ऐसे में वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी, तो मैं थोड़ा लेट ही आज वीडियो जाएगा। यहाँ पे ताई जी हैं, वो लेटी हुई हैं, और एक एक मम्मी को भी दिखा रहा हूँ, मम्मी भी तो हमारी एक बार ताई जी वीडियो में आई ना, वीडियो चल रही तो ताई जी आके बैठ गए, इस पर कमेंट डाले, अंशु तुम्हारी ताई जी बड़ी सुंदर है। तो ये इनकी मम्मी थी जो एक बार आपको याद हो, बहुत पुरानी वीडियो थी, उसमें आई थी मेरी मम्मी। हाय हाय। तो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसी चक्कर में वीडियो नहीं जाएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। नितेश भी अपने रूम का कलर डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि इनके घर पे भी पेंट होने वाला है। आज शांत क्यों हो इतने? और क्या बोल रहे हो? बोल दो, ये तो बता रहा हूँ, सुंदर बोल रहा है। घर पे आके देखेगा हम दोनों पे खांडे मचा तकड़े वाले। कल मेरा पलटा मार रही गरम गरम, उस पे भाभी पराठे बना रही, पलटा मारा मेरा तो लगा ना खुद के हाथ पे लग गया। चप्पल जूती हाथ में जो भी आ जा, भैयाओं को जितना पिट है जितना धोवे उतना। इधर को, इधर को क्या करो, क्या बोलो, एकदम पहले सोचना पड़े। आप लोगों को 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा हो गया है हम लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे, हम लोग एक दूसरे से इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें जानने के लिए मिल रही है जो पहले कभी नॉर्मल में नहीं मिलती, नॉर्मल बातों में पता नहीं लगती। लेकिन जब सब लोग साथ बैठते हैं ना तो एक दूसरे की बातें निकल निकल के आती है। कभी ताई जी भैया के बारे में कुछ बता रही थी, मम्मी मेरे बारे में बता रही थी, फिर ताई जी और पापा अपने टाइम के जमाने की बात बता रहे थे कि हमारे टाइम में ऐसे होता था, अब ऐसे होता है, काफी चेंज आ जाता है ना। बहुत मन लग रहा था, और बहुत टाइम बाद ऐसे जब बैठते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो किस किस को मेरी तरह है? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रहती है कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, मुझे बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ मैं ये सब चीज़ जानने के लिए। और अब जो है मैं सेकंड टाइम चाय बना के लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ना चाय बहुत सारी पी जाती है और मन भी करता है, अच्छी भी लगती है, गर्मियों में नहीं अच्छी लगती, इस टाइम पर चाय बहुत अच्छी लगती है। तो हम जो है मतलब मैं रहे थे कितना पेंट हो गया, कितना काम हो गया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखा देना चाहिए क्या क्या काम हुआ, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो। अब जो है क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो है ऊपर का एरिया कंप्लीट हो गया है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये रूम भी कंप्लीट हो गया है, ये रूम सब लोगों को भी पसंद आया है, मेरी फैमिली में भी, जो मेरे यहाँ की फैमिली है यहाँ भी, और यूट्यूब की फैमिली में भी सब लोगों को ये रूम बहुत पसंद आया था। अब जो है इसका थोड़ा बेड वेड सब ठीक करवाना है, आज बेड शॉप किया था मैंने, इसका बहुत पुराने हैं ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है मुझे ना पहले जब ये घर बना था तो मुझे यहाँ पे खड़े होने का बड़े शौक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया यहाँ पे आना ही नहीं होता मेरा।
तो भैया और ताई जी लोग चले गए हैं और यहाँ पे जो है दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे बना रही है मम्मी भरवा शिमला मिर्च। और मेरे घर में शिमला मिर्च किसी को भी पसंद नहीं है, पापा को जो शिमला मिर्च में से महक आती है ना वो पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग बातें में ही इतने लगे रहे कि हमारी किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, तो आप लोग भी इग्नोर करना। तो ये आलू जो है ये बॉयल कर लिए हैं और इसमें जो है मम्मी ने नमक मिला लिया था, तो पापा के लिए क्या होगा कि जो आलू पिट्ठी जो छोकेंगी ना मम्मी, तो उसमें से एक कटोरी सब्जी पापा के लिए निकाल देंगी क्योंकि वो नहीं खाते हैं। तो सिर्फ दो ही शिमला मिर्च बनेंगी मेरे लिए क्योंकि मम्मी भी नहीं खाती, मम्मी को भी कम ही पसंद है। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने सरसों का तेल चढ़ाया हुआ है, हम कोई बाहर का तेल यूज़ नहीं करते हैं, हम घर का ही तेल यूज़ करते हैं। अगर बाहर से भी लाना होता है तो हम सरसों का ही लाते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले डाले हुए हैं, हल्दी मिर्च धनिया ये सब चीज़ डाले हुए हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब भी पापा का मतलब खाना बनता है, पापा के ना एलर्जी रहती है तो हम लोग टमाटर कम यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट भी आते हैं तो आप टमाटर नहीं डालते। जब पापा का एलर्जी हो जाती है तो हम फिर टमाटर नहीं डालते हैं, जब पापा का मतलब ठीक नॉर्मल रहते हैं तो टमाटर डालने लगते हैं, लेकिन वैसे नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी सब्जी बन गई है और मम्मी ने जो है ये आलू की जो सब्जी है इसे बनकर तैयार हो गई है। जो हमारी शिमला मिर्च होती है उसे बीच में से थोड़ा सा उसका जो डंठल सी होती है उसे काटने के बाद इस जो जितनी भी पिट्ठी होती है उसे आप शिमला मिर्च में भर लीजिए। सब्जी जो है बन गई है, मम्मी ने वापस से वही कढ़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सरसों का तेल डाला है और इसमें जो है हम अपनी शिमला मिर्च रख देंगे ऐसे करके और इन्हें जो है आपको पलटते रहना है, हर दो दो या तीन तीन मिनट, हर एक एक दो दो एक एक मिनट में इसे पलटते रहना है जिससे ये चारों तरफ से जो है गल जाए और इसे जो है ढक के रख देना है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मुझे तो बहुत पसंद है ये। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और क्या हाल है आप सबके? और अंशु को बुखार हो गया तो इसके पास बैठे हैं, इससे बात कर रहे हैं। चल इधर मुंह दिखाओ भाई, बोलो हेलो। मरी सी आवाज में बोली हेलो, और मैंने सोचा बनकर चलो आ थोड़ी सी इसकी तरफ से कुछ बोल दूं, क्या बोलूं। अब मैं इसके पास बैठ गई, बता ठीक लग रहा है वो? खुशी खुशी मैं इसके पास बैठी थी, खुशी महसूस हो रही है, ठंड लग रही है। अब तेरे पापा दवाई लाए हैं डॉक्टर के से, खा ली अपनी, ठीक है। चाय वाय पिए की ना भी? मैं हाँ पिए सब पूछी चाय पी, तो नाड़ी ला रही है, चाय मुझे पीने के दवाई लिए तो ऑलवेज रेडी, रेडी ठीक दवाई लेनी है। है। चलो वैसे ज्यादा चल रहा है तो वैसे चाय सी बुला लाऊं। और अब शाम के 7 बज रहे हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, चाय बना के लाऊं जब बात करेंगे। हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आज जो है नेक्स्ट डे है और ये जो क्लिप है ये पुरानी क्लिप है, मुझे आप लोगों से बातें करनी थी क्योंकि रात जो है मुझे फीवर चढ़ रहा था तो मुझ पे जो है वीडियो नहीं बनाया मैंने, जो थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था वो मम्मी ने ही बनाया था, तो मुझे वॉइस ओवर करना था तो मुझे कोई क्लिप चाहिए थी, तो मैंने ये वाली क्लिप ली है, इसमें मैंने ऐड कर दी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि अंशु आंटी जी का बर्थडे कब है, तो आंटी जी का बर्थडे 23 नवंबर है, मतलब कल को है आंटी जी का बर्थडे, ये वीडियो 22 को जाएगी तो 23 तारीख को आंटी जी का बर्थडे है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए सब लोग।